बंगाल में दर्दनाक रेल हादसा, घटनास्थल पर पहुंचे रेल मंत्री, तस्वीरें देख हैरान रह गए अश्वनी वैष्णव। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में हुए दर्दनाक हादसे में अब तक 15 लोगों की जान जाने की खबर है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस हादसे के बाद जिस तरह की भयानक तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखने के बाद हर किसी की रूह कांप गई। यहां तक कि जिन लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है, वो सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हादसे को याद कर घायलों की आंखें नम हो जा रही हैं और डर जा रहे हैं। इस हादसे के बाद से पीएम मोदी के साथ साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी नजर बनाए हुए हैं, बल्कि रेल मंत्री खुद ही घटनास्थल पर पहुंच गए। यहां तक कि घटनास्थल पर जाने के लिए रेल मंत्री को बाइक पर बैठकर जाना पड़ा। दरअसल जिस जगह पर हादसा हुआ वहां तक जाने के लिए रास्ता नहीं था, इसी वजह से रेल मंत्री को बाइक पर सवार होकर घटनास्थल पर जाना पड़ गया। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर यह दर्दनाक हादसा हुआ वहां वाहन जाने का रास्ता कच्चा है और गाड़ी से जाने में काफी समय लगता, इसलिए रेल मंत्री ने बाइक पर जाने का फैसला लिया था। वहीं रेल मंत्री दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और फिर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से घटना से जुड़ी हर जानकारी ली। इसके बाद रेल मंत्री अस्पताल पहुंचे, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। वहां पहुंचकर रेल मंत्री ने घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना। रेल मंत्री ने हादसे की जांच करने की बात भी कही है, लेकिन कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन में सवार ज्यादातर यात्रियों ने इस हादसे के लिए रेलवे को जिम्मेदार ठहराया। यात्रियों से लेकर कई राजनीतिक नेताओं ने दावा किया है कि यह हादसा रेलवे की लापरवाही की वजह से हुआ है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये दर्दनाक हादसा कैसे हुआ। जानकारी के मुताबिक एक मालगाड़ी ने सियालदा जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी थी। टक्कर लगने से कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर गईं। इस हादसे में अब तक 15 लोगों की जान जाने की खबर है, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये टक्कर सोमवार सुबह 9 बजे के आसपास उस समय हुई जब कंचनजंगा एक्सप्रेस अगरतला से सियालदा जा रही थी। इस टक्कर में कंचनजंगा एक्सप्रेस के 2 डिब्बे दरअसल डिरेल हो गए थे। हर तरफ चीख पुकार मच गई थी। टक्कर लगने की वजह से ट्रेन की बोगियां पटरी से उतर गई थी। प्रशासन ने गैस कटर से डिब्बों को काटकर लोगों को ट्रेन के अंदर से बाहर निकाला था। इस हादसे को लेकर राजनीति जोरों पर हो रही है। हालांकि रेल हादसे की वजह भी सामने आ चुकी है और मालगाड़ी के ड्राइवरों की लापरवाही की वजह से ही ये दर्दनाक हादसा हुआ और इतने लोगों की जान चली गई। फिलहाल घटनास्थल पर रेल मंत्री ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये वक्त घायलों को जल्द से जल्द स्वस्थ कर उनको घर पहुंचाने का है और घटना की जांच के बाद जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ये वक्त है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।